बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था सर्किल की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है, एरिया है, सर्कमफेरेंस है, आर्क है, ये जो बेसिक जो वर्ड होते हैं सर्किल के अंदर यूज किए जाते हैं वो सब हमने जाने थे कि मेजर आर्क क्या होती है, माइनर आर्क है। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कुछ फॉर्मूले बताए थे, परिधि निकालना, रेडियस और एरिया निकालने का, जो मैंने आपको एक रेशियो बताया था 7:44:154, ये आपको याद रखना है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जब आपको किसी सर्कल की रेडियस दे रखी है 7, तो आप याद रखो अगर रेडियस 7 है तो परिधि कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया हो जाएगा 154 है। जब आपको उसकी रेडियस है वो दे दे 21, कितनी दे दे 21 है, यानी इसका कितना गुणा है, 3 गुणा है। तो मैंने बताया था कि परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुणा हो जाएगी, 132। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर एक वीमी है, ये वन डायमेंशन है, ये क्या आर स्क्वायर यानी टू डायमेंशन है, यानी आर इंटू आर है। तो यहाँ पर कितना गुणा है, 3 गुणा, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 गुणा है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यानी यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 154 का 9 गुणा यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था उसके अंदर पिछले वाली क्लास के अंदर। अगर उसकी रेडियस मान ली दे रखी है 1.4 दे रखी है, किसी सर्किल की रेडियस दे रखी है 1.4, तो आप देखिए इसमें कितना दे रखा है, 1.4 का मतलब कितना हो गया, 7 का 1/5, यानी 7 का कितना है 1/5, कितना हो जाएगा 1.4 है। तो उसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी, 1/5, यानी 44 का 1/5 है। इसके एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ये कितना है, 1/5, 1/5 इसका स्क्वायर कर दो, यानी इसका 1/25, क्योंकि यहाँ पर 3 × 3 था, उसका स्क्वायर क्या था, तो यहाँ पर 1/5 है, तो 1/5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 है। तो अगर आपको परिधि दे तो उसकी सहायता से आप एरिया भी निकाल सकते हो, ये इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया था। और इसके अंदर मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला सेमी सर्किल का परिमाप निकालने का, उसमें मैंने आपको बताया था 36/7R, ये आपको बताया था, ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्किल की प्रॉपर्टीज़, सर्किल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किल की पहली प्रॉपर्टी, वो क्या होती है। जैसे सर्किल है और इसके अंदर एक कॉर्ड है जीवा, मैंने आपको बताया था जीवा क्या होती है, सर्किल की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर ए भी क्या है, कॉर्ड है, जीवा है। तो इसका मान मान लीजिए कितना है, एक्स है। एक दूसरी कॉर्ड है मान लीजिए यहाँ पर सी और डी, तो इसका मान भी वैल्यू कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, एक्स है, तो इसकी लंबाई कितनी है, एक्स है। इस वाले कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है, तो सी डी की भी कितनी है, एक्स है। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो इसके ऊपर ये एंगल बनेगा, इधर इसके ऊपर ये एंगल बनेगा, तो इसको नाम आपने दे दिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। जो सर्किल की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि समान जीवा, समान जीवा है या फिर जिनकी वो लेंथ क्या हो, समान हो, वो केंद्र के ऊपर समान एंगल सबटेंड करेंगी, बनाएंगी। यानी इसका लेंथ अगर एक्स है तो इसके द्वारा बनाया गया केंद्र के ऊपर बनाया गया कोण कितना, थीटा, तो इसकी लेंथ अगर एक्स है तो ये भी एंगल कितना बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। समान जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा, समान ही होगा। इसकी लेंथ एक्स है, इसकी लेंथ एक्स है, तो ये एंगल भी कितना होगा, सेम ही होगा। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर है। तो ये मान लीजिए जैसे ए और बी है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद होंगी, लेकिन इसको अप्लाई करना है। ये सबको पता है इक्वल कॉर्ड है तो लेंथ भी एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन जब पर्सन आएंगे तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ए बी का मान मान लीजिए कितना है, एक्स है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक सी डी क्या है, एक जीवा है, सी डी क्या है, एक जीवा है। इसकी लेंथ कितनी है, वाई, तो इसकी लेंथ भी अगर वाई है, अगर इसकी लेंथ समान है तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ये क्या है, ओ, तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो पहले क्या हो गई कि
इक्वल कोण सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर है, कि समान जीवा के द्वारा वर्ती केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होता है, समान होता है। और इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी क्या है, सत्य है। अगर एंगल इक्वल है, अगर लेंथ इक्वल है तब एंगल इक्वल होंगे। अगर ये कहना चाह रहा है कि कोण की लेंथ इक्वल है तो फिर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोण बराबर होंगे, तो इसका उल्टा भी तो सत्य है। अगर एंगल इक्वल है, अगर कोण बराबर है तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल ही होगी, उसकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। अगर आपको ये एंगल दे रखा है थीटा और इसका मान दे रखा है एक्स, ये एंगल दे रखा है थीटा, तो आप आसानी से बता सकते हैं एंगल थीटा एक्स, एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा, यानी उसका उल्टा भी क्या है, सत्य ही है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि जीवा अगर समान है तो वो समान ही कोण बनाएंगी। ये हम एक ही सर्किल के अंदर बात की थी, ये कोण है ए बी और इसका मान मान लीजिए कितना है 10 सेमी है, तो ये यहाँ पर एंगल बनाते हैं, इसका 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 सेंटर है, ये यहाँ पर एंगल बनाते हैं, अल्फा डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर हम एक दूसरी कोण ले लेते हैं, सी और डी है, और ये यहाँ पर मान लीजिए अल्फा डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये अल्फा डिग्री का एंगल है तो इसके सामने भुजा कितनी 10 सेमी, ये अल्फा डिग्री का एंगल है तो इसके सामने की भुजा भी कितनी होगी, जो कोण होगी, ये जो सी डी कोण होगी वो भी कितनी होगी 10 सेमी ही होगी, ये भी कितनी होगी 10 सेमी होगी। ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है ये पढ़ा है सेम सर्किल के अंदर, यानी सेम सर्किल का मतलब इसकी रेडियस क्या है, सेम है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। और ये कैसे पॉसिबल है भाई, हमने पढ़ तो लिया कि एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन कैसे पॉसिबल है, इसको अगर हम डिराइव करना चाहें तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ये चीज़ संभव कैसे है। देखिए ये कोण है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा ना तो आप आसानी समझ सकते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है ये ए बी क्या है, कोण है, और ये क्या बन गई इसकी, एक आर्क बन गई, ये क्या बन गई, आर्क बन गई, और ये जो एंगल बन गया, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस है, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस है। तो ए बी और ये इसकी आर्क, इनके बीच में संबंध होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, ए बी और इनकी आर्क के बीच में संबंध होता है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इधर कोई दूसरी सी और डी क्या है, एक जीवा है, इसकी लेंथ एक्स है, इसकी लेंथ क्या एक्स है, इसका मतलब इनकी लेंथ क्या समान है, लेंथ अगर समान है तो आर्क भी क्या होगी, समान होगी, तो ये जो सी डी आर्क है वो बराबर होगी किसके, ए बी आर्क के, ए बी आर्क के बराबर होगी, क्योंकि जो आर्क है वो कोण है, एक ही चीज है, एंगल समान बनाते हैं, इनका संबंध क्या होता है, सेम होता है। अगर ए बी बराबर है सी डी के तो ए बी आर्क, ये किसका साइन है, आर्क का बराबर होगा सी डी आर्क के, और एंगल बराबर होता है, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जब आर्क इक्वल है और रेडियस तो क्या है, एक ही वर्त है तो रेडियस तो इक्वल होंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, आर्क बराबर है ही है, रेडियस बराबर है, तो फिर दोनों कोण क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्यों इक्वल होती है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। और पहली प्रॉपर्टी के अंदर ही हमने एक, वो पहला पॉइंट था, इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अभी, फर्स्ट ही प्रॉपर्टी चल रही है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक पॉइंट हमने पढ़ लिया था, कोण वाला और एंगल वाला। दूसरा क्या होता है, जो इक्वल कोण होती है, समान जीवा है, वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। मैं इसको यहां पर लिखवा देता हूं कि इक्वल कोण यानी समान जीवा इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पहली प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट है कि इक्वल कोण इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो समान जीवा होती है, जिनकी लंबाई समान होती है, तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती है, यानी उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्विडिस्टेंस होती है, वो समान होती है। यानी इसका मान मान लीजिए कितना है, एक्स सेमी है, एक दूसरी कोण है उसको यहां पर हमने नाम दे दिया है सी और डी है, और तो इसका लेंथ भी कितनी है, वो एक्स है, ये क्या सेंटर है। तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ, इसको नाम दे दिया आपने यहाँ से सपोज एम है, इसको नाम दे दिया यहाँ पर जहाँ पर टच करती है एन है, और ये क्या ओ है, तो इसमें ओ एम बराबर होगा ओ एन के,
यानी समान लंबाई की जो जीवा होती है, समान लंबाई की जो जीवा होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। समान लंबाई की जो जीवा होती है वो केंद्र से क्या होती है, समान दूरी पर होती है। अगर इसकी लेंथ अगर x है, इसकी लेंथ अगर x है, तो केंद्र से इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। एम ओ बराबर क्या होगा, एन ओ। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर दो जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है तो उनकी लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। ये तो x अक्ष दे रखा था, इसका दूसरा भी, इसका जो वाइस वर्सा वो भी सही होगा, इसका उल्टा भी सत्य होगा। यानी कि पहले क्या दे रखा है, लेंथ बराबर है तो उनके बीच की डिस्टेंस बराबर है। अगर बीच की डिस्टेंस बराबर दे रखी है तो फिर लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये एक ए बी है और दूसरी यहाँ पर नाम दे दिया सी डी नाम दे दिया, ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और ये जो डिस्टेंस है वो एम है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एन है। आपको दे रखा है कि ओ एम बराबर है ओ एन, यानी केंद्र से जीवाओं की दूरी क्या है, बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो इसका मतलब उन जीवाओं का मान भी बराबर है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट का दूसरा पॉइंट है, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये पहला पॉइंट था पहली प्रॉपर्टी का, पहली प्रॉपर्टी का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अगर जीवा समान है तो केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी, और दूरी अगर समान है तो फिर जीवा भी क्या होगी, समान होगी। इसमें हमें दे रखा था कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है, तो यहाँ का रिजल्ट आया ओ एम बराबर होगा ओ एन। यहाँ पर गिवन क्या था, ओ एम बराबर ओ एन, तो उसका रिजल्ट क्या है, ए बी बराबर सी डी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, पता सबको है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जब हम पर्सन सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। सर्किल के अंदर कोई नई चीज़ है नहीं, बस ये कि जो चीज़ें हैं उनको यूज कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट ही चल रही है, उसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। ये कोड है, जीवा है, कोई ए बी कोड है और कोई दूसरी कोड दे रखी है सी और डी है, ये क्या इनका सेंटर है। तो पहली के अंदर ही जो हम कोड पढ़ रहे थे, पहला जो प्रॉपर्टी है उसी के अंदर हम एक पॉइंट पढ़ेंगे अब, वो क्या है, जिसका क्या सेंटर है ओ है और ए बी है और सी डी क्या है, इसका मान मान लीजिए कितना है, 14 सेमी है, और इसका मान मान लीजिए कितना है, 10 सेमी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेजर कोड होती है, जो बड़ी जीवा होती है, मेजर कोड इज ऑलवेज, बड़ी जीवा होती है वो हमेशा इज ऑलवेज क्लोजर टू द सेंटर, कि इसके अंदर जो बड़ी जीवा होती है वो हमेशा केंद्र के क्या होती है, नज़दीक होती है। इसके अंदर जो बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, केंद्र के नज़दीक होती है। क्या बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर तीसरा पॉइंट ये है कि जिसके अंदर जीवाएं होंगी तो जो जीवा सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी, केंद्र के नज़दीक होगी, वो केंद्र के नज़दीक होगी, और जीवा का मान जितना छोटा होगा वो उतनी दूरी ज़्यादा होगी। यानी इसमें बड़ी कौन सी है, 14 सेमी, ये क्या है, 10 सेमी, तो इसका मतलब ये नज़दीक आएगी। बड़ी जीवा है, इसका मान मान लीजिए अगर एक्स है और इसका मान मान लीजिए क्या है, वाई है, तो इसके अंदर है वाई क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एक्स से। क्यों, क्योंकि छोटी जीवा है वो केंद्र से बड़ी ज़्यादा दूर पर होती है, छोटी जीवा होती है वो केंद्र से क्या होती है, दूर होती है, और बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के नज़दीक होती है, ये क्या सेंटर है। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर व्यास, सबसे बड़ी जो मेजर जो कोड होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है व्यास, और व्यास क्या होता है, वर्थ के केंद्र से गुजरने वाला ए बी, इससे बड़ी कोई जीवा हो नहीं सकती। फिर इसके बाद छोटी आएगी इधर, वो क्या आएगी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, और फिर इसके नीचे आएंगे तो और छोटी हो जाएगी, फिर इससे दूर आएंगे तो फिर और छोटी हो जाएगी, फिर इससे दूर आएंगे केंद्र से, यानी हम बात करें केंद्र से दूर, यानी जो जीवा केंद्र से जितनी ज़्यादा दूर होगी उसकी लेंथ उतनी कम होगी, जो जीवा केंद्र के जितने ज़्यादा क्लोज होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। यानी कि जो मेजर कोड होते हैं, बड़ी कोड होती है, वो इज ऑलवेज क्लोजर टू द सेंटर, वो सेंटर के क्लोज होते हैं। और जैसे मान लीजिए ये सेंटर के क्लोज है, सबसे बड़ी है, फिर जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो कोड का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी थी, पहले प्रॉपर्टी में तीन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, कोड से संबंधित है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले में तो हमने ये जाना था कोड के बारे में जाना था, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी आपको क्या दे रखिए, कोड दे रखिए, ये इसका क्या सेंटर है,
तो इसके ऊपर इसको मिलाने वाली रेखा, ये नाम दे दिया आपने M है। वर्त के केंद्र से जीवा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा उसका एंगल बायसेक्टर यानी वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? OM है वो क्या होगा? OM है वो क्या होगा? AB का परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा मैं आपको बता भी दूंगा। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर? मैं ये कह रहा हूँ कि जीवा के ऊपर केंद्र से डाला गया लंब उसको दो भागों में विभाजित करता है। केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया जो लंब है वो जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्यों करता है? देखिए आप, ये क्या कहलाएगा? रेडियस स्मॉल r। ये क्या कहलाएगी? रेडियस स्मॉल r है। यानी त्रिभुज ए ओ बी की बात करें, त्रिभुज ए ओ बी क्या बन गया? आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर असमान भुजा पे डाला गया लंब, असमान भुजा पे डाला गया लंब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो ए डी है, ए डी क्या बन गया? लंब है एक, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। दूसरा क्या है? इसके मिड दो भागों में विभाजित करता है। तो ए डी क्या बन गई? मीडियन भी बन गई। क्या बन गई? मीडियन भी बन गई। और ये इसके अंदर एंगल बायसेक्टर भी होता है। ए डी क्या होता है? एंगल बायसेक्टर भी होता है। दो इक्वल एंगल में इसको डिवाइड करता है। ये मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में आपको बता दिया था। तो ये क्या बनेगा? ए ओ बी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। जब आप इसके ऊपर लंब डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये इसकी मीडियन भी है। यानी केंद्र के द्वारा परिधि उस पर, केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है वो यही है, इसको नाम दिया था हमने बी है। तो जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी 90 डिग्री होगा। तो इसमें ए एम बराबर होगा एम बी के। रीजन क्या है? इसमें जो एम होगा वो क्या होगा? ए बी का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। इसके अंदर ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ये क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो इसके ऊपर प्रश्न बनने शुरू होते हैं। अब जो प्रश्न बनने शुरू होंगे वो यहीं से बनने शुरू होंगे। पहली प्रॉपर्टी में तो बेसिक चीज़ें थी, ये अब यहाँ से प्रश्न बनने शुरू होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। तो इसके अंदर जैसे हम प्रश्न यहां से लिखना चाहें, कोई कोई सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर कोई एक जीवा है ए बी। यहां से प्रश्न बनते हैं, ए बी एक जीवा है, कोर्ड है, और उसका मान आपको दे रखा है, कोर्ड जीवा का मान दे रखा है 16 सेमी आपको दे रखा है, और इसकी जो रेडियस है हुआ है 10 सेमी। तो केंद्र से जीवा की दूरी याद करें, केंद्र से जीवा की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोर्ड, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोर्ड क्या दे रखा है? ये आपको एक केंद्र, एक सर्किल दे रखा है, ये सर क्या केंद्र है? ओ है। तो ए बी का जो मान है, ए बी का मान आपको दे रखा है 16 सेमी है। तो आपसे, और रेडियस दे रखी है इसकी, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस है 10 सेमी है। आपसे क्या पूछे? केंद्र से जीवा की दूरी, ये आपसे डिस्टेंस पूछी है इसने आपसे, ये वाले डिस्टेंस ओ एम जिसे हम बोलते हैं, आपसे क्या पूछा इसमें? ओ एम है। अभी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि केंद्र से जीवा को मिलाने वाली जो रेखा हो उसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, दो भागों में बांटती है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 की आधी यानी 8 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 8 है। ये क्या है? रेडियस। ये क्या, ये वाला पोर्शन क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस का मान कितना है? 10 है। ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? हाइपोटेनस क्या है? 10 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम सबको पता है ये 3, 4, 5 है या 6, 8, 10, ये सब क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो जो डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 6 सेमी। तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेमी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंदर एक पर्सन है, इसके अंदर शायद ये इसी के ऊपर बेस्ट है, मैं देखता हूँ इसको क्या दे रखा है। ए बी का मान दे रखा है 8 सेमी, ये इसी के ऊपर बेस्ट है। एक सर्किल दे रखा है, इस सर्किल के अंदर ए बी क्या है? कोर्ड है, जीवा है। ये क्या है? एक ए बी क्या है? एक कोर्ड है, एक जीवा है, जिसका मान आपको दे रखा 8 सेमी है। ओ सी क्या? परपेंडिकुलर है, लंब है ए बी के ऊपर।
तो रेडियस आपसे पूछे और ओसी का मान दे रखा है 3 सेमी, यानी आपसे ओसी का मान दे रखा है 3 सेमी दे रखा है, रेडियस आपसे पूछी है। एबी का मान कितना है 8। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, कोर्ड को, जीवा को। जीवा का मान कितना है 8, तो इधर से कितना हो जाएगा 4, इधर से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या है, ओसी क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, आपसे क्या पूछिए रेडियस, तो ये क्या होती है रेडियस होती है, ये वाला पोर्शन क्या होता है रेडियस होता है। तो ये 3 है ये 4 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेमी हो जाएगी, 5 सेमी इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेमी हो जाएगी। यानी क्या करेगा, इसके अंदर एक तो परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये ओ सी है, तो या तो आपको इसका मान पूछ लेगा, और ये क्या होती है रेडियस होती है, और ये क्या होती है जीवा का हाफ होती है, ये क्या होती है कोर्ड का हाफ, जीवा का हाफ है। तो ये 3 वेरिएबल्स आपके पास में है, इसमें से कोई भी 2 देकर आपसे तीसरा पूछ सकता है, या फिर ये दोनों दे देगा तो ये वाला पूछ लेगा। ये आगे प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, पी क्यू क्या है, एक कोर्ड है जीवा है, पी क्यू का मान कितना है 18 सेमी है, एम बी का मान कितना है 3 सेमी है, तो ए बी का मान पूछा है। ओ क्या है इसके अंदर केंद्र है, या आपका क्या सेंटर है केंद्र है, ओ इसके अंदर क्या है केंद्र है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या है ये डायमीटर हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा ए बी, ए बी का मान आपसे पूछा है इसके अंदर, इसके अंदर क्या पूछा आपसे ए बी का मान पूछा है, तो ए बी क्या इसमें डायमीटर है व्यास है, ए बी क्या इसके अंदर डायमीटर है व्यास है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी आपको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। अगर आप इसके रेडियस निकालते हो तो आप ए बी का मान आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये जीवा कौन से जो केंद्र से गुजर रही है। तो आप देखिए पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 18, तो ये कितना हो जाएगा 9 सेमी, ये कितना हो जाएगा 9 सेमी है। वर्ष से केंद्र से परिधि पर मिलाने वाला ये क्या होगा, मिसाल लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 2 इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री है। और एम बी का मान कितना दे रखा है आपसे, ये दे रखा आपको 3 सेमी है, ये क्या हो जाएगी रेडियस, ये क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। और ये ओ बी क्या है, ओ बी, ओ बी इसके अंदर है रेडियस, ओ बी क्या है रेडियस है, और ये कितना है एम बी 3 है, तो ये कितना बचेगा R-3 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ इसके अंदर, कि जो ओ बी क्या है रेडियस है टोटल, और एम बी कितना है, एम बी कितना 3 है, तो ये कितना बचेगा ओ, ये वाला पोर्शन ओ एम, आर में से माइनस कर देंगे 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है, तो ये तो आपकी रेडियस होगी, ये कितनी होगी 9 सेमी होगी, ये R-3 है, आपको क्या निकालना है ए बी निकालना, ए बी बराबर क्या होता है 2R, तो यहाँ से आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको कर सकते हो, जैसे पाइथागोरस ट्रिप्लेट की सहायता से आप कर सकते हैं इसको 3, 4, 5, तो अगर जैसे 3, 4, 5 की हम बात करते हैं, इसका 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 है, तो इसका मान 15 रखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर R का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, आपको ये सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर R का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ये पाइथागोरस ट्रिप्लेट है, वो सॉरी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगेंगे पाइथागोरस ट्रिप्लेट लगेंगे, ये मैंने आपको बहुत बार बताया था, पाइथागोरस ट्रिप्लेट याद करो, और उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। देखिए इसकी एक साइड कितनी है 9 सेमी, ये आपको दे रखी R, ये होती है R-3, तो मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस ट्रिप्लेट याद करो 9 से संबंधित, तो हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था 3, 4, 5, इसका डबल करोगे तो ये हो जाता है, इसका 3 गुना करोगे तो 9, 12, 15 हो जाता है। तो एक बार ट्राई करके देखो ना, इसकी एक साइड 9 है, एक साइड 9 है, तो दूसरी होगी 12 और ये होगी 15, तो यानी इसका जो हाइपोटेनस क्या हो सकता है 15 हो सकता है, यानी R बराबर 15, तो R-3 यानी 15-3 कितना होता है 12, तो ये बन गया ना ट्रिप्लेट, ये बन गया ट्रिप्लेट। तो आपको फॉर्मूला लगाने जरूरत भी नहीं, यहाँ पर R का मान कितना है 15, तो 15 × 30 यानी AB की वैल्यू कितनी होगी 30 हो गई। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था R, तो इधर से हो जाएगा R² बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करोगे, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी समकोण बने तो पाइथागोरस ट्रिप्लेट निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो AB का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा,
क्योंकि रेडियस कितनी आई थी, 15 आई थी, ए बी कितना डायमीटर है, तो 15 गुणा 2 30 हो गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित प्रश्न था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, लेकिन सेम साइड होना चाहिए, इसके यहां सेंटर है। इसको नाम दे दिया ए और बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कोण एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोण एट द सेंटर, यानी जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। इज इट ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोण एट द सेम साइड ऑफ सर्कम ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल के सेम साइड की बात कर रहा है। ये क्या कोण है? ए बी। ए बी क्या है? एक कोण है जीवा। तो जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोण एट द सेंटर, वर्त के केंद्र पे बना कोण दुगुना होता है, किसका होता है? सर्कमफेरेंस पे बना एंगल, यानी यहां पर जो एंगल बनता है थीटा, तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी ये क्या कोण है, केंद्र कहां है? ऊपर साइड में, तो जो एंगल बनेगा वो भी ऊपर बनेगा। ऐसे नहीं है कि आप नीचे वाला ले लोगे, नहीं, यानी दोनों एंगल है वो सेम साइड होने चाहिए। ए बी के ऊपर है तो दोनों एंगल ए बी के ऊपर होने चाहिए, ऐसा नीचे नहीं हो सकता कि आपने ये वाला एंगल नीचे ले लिया, नहीं। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा सेम कोण के द्वारा। अगर इसी जीवा के द्वारा इधर से मान लीजिए एंगल है, ये कितना है? 2 थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। कि जीवा के समान जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। सेम साइड में होना चाहिए, ये सेम साइड के अंदर होना चाहिए। अगर सेंटर यहां पर है और ये क्या है? ए बी क्या है? कोण है जीवा है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल कितना होगा? ऐसे नहीं है कि यहां पर एंगल बन गया थीटा, आप इसका दुगुना कर दोगे। इस जीवा के द्वारा यहां पर एंगल बन रहा परिधि पे थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, नहीं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये क्या कोण है? तो दोनों एंगल या तो ऊपर होने चाहिए या दोनों एंगल कहां होने चाहिए? नीचे होने चाहिए। इसमें केंद्र कहां है? केंद्र जीवा के नीचे है, तो ये वाला जो एंगल भी क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, यानी इसके अंदर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें ये आपका क्या है? केंद्र है, तो जो सेंटर वो क्या है? जीवा के नीचे है, तो ये वाला एंगल भी कहां होगा? नीचे होगा। तो जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये एक्स है तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये पढ़ा भी होगा आपने, बट ये सेम चीज डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की सहायता से दूसरा भी निकाल सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूं इसी के अंदर। जैसे ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये जो सेंटर है ओ है, तो यहां पर एक कोण है जीवा है, ये ए और बी है। ये एंगल मान लीजिए कितना है? ये एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या? इस जीवा के दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी सेंटर भी इधर है और एंगल भी इधर है, तो ये एंगल अगर 110 है, ये एंगल 110 है, तो कितना हो जाएगा? इसका आधा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इधर से ये वाला एंगल भी कितना होगा? क्योंकि इसके केंद्र पे बना कोण कितना है? 110 का, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर हमसे ये वाला पूछे तब कैसे निकालेंगे? नीचे वाला, ऊपर वाले तो निकाल लिए। इस ए बी कोण के द्वारा ऊपर जितने एंगल बनेंगे वो केंद्र वाले के आधे होंगे। ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 55। ये हो जाएगा 55 है। ये तो हो गए सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर इस बार नीचे हो जाए, अगर मान लीजिए इस बार क्या हो जाए? नीचे आ जाए। जैसे ये बन गया इसका, ये इसका हो जाएगा केंद्र है, और ये एंगल ए है, ये बी, और यहां पर ये क्या बनेगा? एंगल बनेगा। सपोज ये एंगल आपको दे रखा है 160, ये 160 है, तो ऊपर ये दरवाला कितना हो जाएगा? तो ये एंगल, ये 160 है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि समान जीवा के द्वारा बना हुआ है। लेकिन आपसे ये वाला पूछे तब कैसे निकालोगे?
ये दोनों ऊपर है, ये 160, ये 80 आपको समझ में आ गया, ये कैसे निकालोगे? तो ये इसको नाम दे दिया आपने पॉइंट सी, आपको नाम दे दिया पॉइंट डी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बताई थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर हो, वर्त के ऊपर स्थित हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी जो वर्टेक्स होते हैं वो कहां पर लाई करते हो, सर्किल की परिधि पर लाई करते हो। बात की जाए इसमें ए डी बी और सी, ए डी बी सी क्या है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। इसके चारों वर्टेक्स कहां पर है, सर्किल की सर्कमफेरेंस पर है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल यानी विपरीत कोणों का जो सम होता है इज 180 डिग्री। इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये कितना है, 80 है, तो ये कितना होना चाहिए, 180 में से माइनस कर दो यानी 100, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 180। तो ये अगर 80 है तो ये हो जाएगा 100। तो ऐसे आप एंगल निकाल सकते हो। यहां से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है। देखिए ये एंगल 110 है, ये कितना होगा 55, तो बताइए ये कितना होगा, इनका टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस करेंगे तो 125, 55 कितना होता है, 180 होता है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम अलग से पढ़ेंगे, सर्किल के अंदर ही पढ़ेंगे, बाद में इसमें 6-7 प्रॉपर्टी बनती है। अभी बस आप इसमें इतना याद रखो, होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष है वो सर्किल के ऊपर स्थित होते हैं, इसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसके ऊपर काफी प्रश्न बनते हैं, जैसे इसे में एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। ये इसकी क्या है, ए बी क्या है, कोर्ड है, ये क्या है, सेंटर है, और इसके अंदर आपको ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री। तो आप इसके अंदर इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताना मेरे को, सी है और डी है। आपको प्रश्न दे रखा है कि आपको दे रखा है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी का मान दे रखा है 50 डिग्री। तो आप मेरे को बताइए एंगल ए सी बी का मान कितना होगा, आप बताइए एंगल ए डी बी का मान कितना होगा। अगर आपने अभी जो पढ़ा है इसको ढंग से अभी समझ में आया कुछ, तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। आपको एक सर्किल दे रखा है, ये क्या इसका सेंटर है, आपको दे रखा है एंगल ओ ए बी का मान है 50 डिग्री, ओ ए बी का मान कितना है 50 डिग्री है, और एंगल ए सी बी का मान आपसे पूछा है, एंगल ए डी बी का मान आपसे पूछा है। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, इसको एक बार इसको आप ट्राई करें, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें पता सबको है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसको मैं बताता हूँ कैसे है। देखिए हम बात करते हैं इसकी, ओ ए ये क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस, तो ये क्या बन गया, ए ओ बी क्या बन गया, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। अब इम्पोर्टेंट ये है कि दो कोण बराबर कौन से होंगे, आर के बराबर 50 है तो R के बराबर क्या होगा, 50 ही होगा, यानी इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे इक्वल होंगे। यहां पर R के इक्वल क्या है, 50 है, तो R के इक्वल क्या होगा, 50 डिग्री। ये 50 है, 50 कितना हो गया, 100। त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 50 है, 50 से कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। और जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो ये एंगल 80 है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी यहां पर ए सी बी का मान कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। आया समझ में, ये कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि ए डी बी सी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, और इसका जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 40 है तो कितना हो जाएगा, 140। सिंपल सा था, चीजें आपको पता है, बस उसको यूज कैसे करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। इसमें शायद एक प्रश्न और भी ऐसे इसी के ऊपर आधारित है, इसमें एक दो प्रश्न और था, हाँ ये रहा एक प्रश्न, आप ये प्रश्न भी ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है।
आपको एक सर्किल दे रखा है, इसमें ए ओ बी का मान है, ए ओ बी का जो मान है वो 150 डिग्री है और ए क्यू बी का मान पूछा है। आप इसका आंसर निकाले कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप सही से पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप इसको आसानी से निकाल दोगे। आपको एक सर्किल दे रखा है, उसके सेंटर दे रखा ओ है, ए ओ बी का वैल्यू है 150 डिग्री, तो ए क्यू बी का मान क्या होगा, यह आप आसानी से बता सकते हैं। तो अगर आपने निकाला है इसको वीडियो को पॉज करके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना ए ओ बी कितना है, 150 डिग्री, 150 है। ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस है। तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके सामने का थीटा है, इसके सामने कितना होगा, थीटा होगा। ये कितना है, 150। टोटल एंगल कितना होता है, 180 का, 180 में से माइनस कर देंगे 150, बचा कितना, 30। तो 30 का आधा कर दो, 15 तो यहाँ पर आ जाएगा और 15 यहाँ पर आ जाएगा। ये तो है इसके अंदर। तो आपसे पूछा क्या है, अगर आपसे ये वाला पूछता तो आप बता देते कितना होता, 15 होता। तो यहाँ से आप बता सकते हो एंगल है ओ ए बी या फिर एंगल है ओ बी ए, इसका मान कितना होगा, 15 डिग्री होगा। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है, कोई बात नहीं, आपसे जो पूछा वो बता देंगे हम इसको। अब देखिए, आप यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, ये एंगल 150 है, कितना होगा, 75 होगा, 75 होगा, क्योंकि जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगुना होता है। ये 150 है तो इसका आधा हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू बी, इसको नाम देते पी। ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक। और इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 75 है, 180 में से माइनस कर देंगे तो 105, 105 डिग्री। यानी ए क्यू बी का मान कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यह आ जाएगा 105 डिग्री। बस अब तक जो हमने सीखा हम वही यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नया पॉइंट हमने इसमें शामिल नहीं किया है। चलो इसको आगे ले लेते हैं। हमने सर्किल की दो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर, तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली इसके अंदर हमने, अब प्रॉपर्टी नंबर चार पढ़ेंगे इसके अंदर। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, यानी समान जीवा समान कोण बनाती है। दूसरी पढ़ी थी कि केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब उसको दो इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। तीसरे हमने पढ़ी थी कि सेम कोण के द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। और इसमें जो चौथी है, फोर्थ है, वो क्या है कि जीवा के द्वारा परिधि पे बने कोण बराबर होते एक ही साइड में। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोण है ए बी है, ये इसका क्या है, सेंटर ओ है। तो इसके द्वारा इधर ये बना एंगल, इसके द्वारा ये वह बना हुआ एंगल, इसके द्वारा ये बना हुआ एंगल, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल सबटेंड बाई ए सेम कोण एट द सेम साइड ऑफ द सर्किल इज इक्वल है। यानी ये क्या, ए बी क्या एक जीवा है, ए बी क्या एक जीवा है, आपको सेम साइड लेना है। ये क्या है, कोण है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था इससे पहले वाले क्लास के अंदर, ये क्या है, सर्किल है, ये क्या है, एक ए बी क्या है, कोण है, जीवा। तो जीवा है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसे बोला जाता है मेजर सेगमेंट, इसे बोला जाता है माइनर सेगमेंट, यानी बड़ा वृत्तखंड और छोटा वृत्तखंड है। तो यानी सेम उनका सेगमेंट होना चाहिए, ये जो एंगल बनेंगे वो किस साइड में बनेंगे, सेम सेगमेंट में बनेंगे। ये जीवा के एक साइड में होने चाहिए, ऊपर वाली साइड में होने चाहिए, या फिर सारे होने चाहिए नीचे वाली साइड में। तो ये वाला जो एंगल है, ये मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री है। तो सेम कोण के द्वारा, यानी एंगल सेम कोण के द्वारा होना चाहिए, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसको नाम दे देते पी क्यू आर। तो ये क्या है, सेम जीवा के द्वारा बना कोण क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए क्यू बी बराबर होगा एंगल ए आर बी, और इनका मान कितना है, 30 डिग्री। यानी सेम साइड में इक्वल होगा, परिधि पे बना कोण सेम साइड में क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर ये 30 डिग्री है तो आप बता सकते हो केंद्र पे बना कोण कितना होगा, ये कितना होगा, यानी इनका दुगुना होगा। 30 का दुगुना कितना होता है, 60 होता है। 30 का दुगुना कितना होता है, 60 होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम साइड में बना कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम कोण के द्वारा, समान जीवा के द्वारा बना कोण क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये कोण है ए है,
बी है, तो ये यहाँ पर जैसे एंगल बनता है 50 डिग्री का, तो इस साइड में एंगल भी कितना बनेगा 50 का बनेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई। या तो सबने कर लिया कि ऐसे डायग्राम बना के कर लेंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ऐसे ये 50 होगा, ये 50 होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी आएगा। एग्जाम में तो कैसे आएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये सब सेम सेम होंगे अगर सेम कोड है तो, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते वो आपको मैं बताऊँगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे एक पर्सन पूछा जाता है, हालांकि मैं उसके आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उस पर्सन की डायरेक्ट ट्रिक आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। जैसे ये क्या है, एक सर्किल है, तो ये क्या है, एक ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, जीवा है, और ये यहाँ पर सी डी क्या है, एक कॉर्ड है, एक जीवा है। केंद्र अलग है, इसमें केंद्र तो अलग है, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इसमें जो ए बी है और जो सी डी क्या है, दोनों क्या है, कॉर्ड है, जीवा है, और वो इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर करती है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी के ऊपर, एट पॉइंट पी। इसमें ये ऊपर जो दिख रहा है क्या है, ओ है, सेंटर है, ये क्या है, इसमें ओ है, सेंटर है, ठीक है। केंद्र इसमें अलग है, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, इसका क्या बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसमें बनता कैसे है। जैसे ये क्या बन गई, एक कोड बन गई, बी डी, बी ओ डी क्या बन गई, एक कोड बन गई। तो अब आप देखना है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको आगे ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, कोड है, तो इसके द्वारा एंगल यहाँ पर कितना बना, थीटा। तो इधर आप जब इसको मिलाओगे तो ये वाला, ये भी क्या बन गई, कोड बन गई, तो इधर भी जो एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, क्या बन गया, सेम सेम एंगल बन गया। अगर आप इसमें इधर बात करते हो, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हो, इसमें इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं ए सी को, तो क्या बन गई, जीवा बन गई। तो आप देखिए ये वाला क्या है, ये वाला जो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल मान लीजिए कितना है, एक्स है, तो इधर ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जीवा क्या है, सेम है, यानी एंगल सी बी ए, एंगल सी डी ए, यहाँ पर ए सी क्या है, सेम है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे। इधर क्या था, एंगल बी सी डी, बी ए डी, इसमें यहाँ पर जीवा कौन सी थी, कोण थी बी डी, इसका मतलब एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप देखना ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो आप इन दोनों ट्राई एंगल को आप ढंग से रीड करना इसको, ये दोनों ट्राइंगल बन गए, सी है, ये बी है, ये क्या है, पॉइंट पी है, फिर इसके नीचे ये पॉइंट पी है, ए है और डी है। अब आप इन एंगल को नोटिस करो, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना है, थीटा आया, ये कितना है, एक्स, ये कितना है, एक्स है। ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा, और तीनों एंगल बराबर है इसका मतलब उनका फॉर्म समान है, उनका समरूप कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। और सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाकर ही इसका डायरेक्ट रिजल्ट बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बनता कैसे वो मैंने आपको समझा दिया, कि पढ़ा तो सबने है कि सेम जीवा के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, परिधि पे सेम होता है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, और यहीं से क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है जो आपने पढ़ा होगा ना। जैसे एक्स के ऑपोजिट क्या, सी पी, तो यहां पर एक्स के ऑपोजिट क्या है, सी पी, बटे में इसमें एक्स के ऑपोजिट क्या है, ए पी, इक्वल होगा। इसमें थीटा के ऑपोजिट क्या है, बी पी, बी पी, इसमें थीटा के ऑपोजिट क्या है, पी डी। ये कहाँ से बता रहा हूँ मैं, ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ाई थी, उसी के आधार पे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये रिजल्ट आता है, हमें पढ़ाया जाता है पी ए इंटू पी बी। जब भी सर्किल के अंदर ऐसे दो जीवा इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट पी पे पी ए इंटू पी बी, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन क्यों पढ़ाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, पी ए इंटू पी बी इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन ये डिराइव कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी पर आधारित प्रश्न फिर आगे हमसे पूछे जाते हैं।
तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें किस प्रकार से इनको यूज करते हैं। इसके चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है इसकी वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है? एक तो जो अभी हमने पढ़ी थी वो है, तीर क्या बना दिया, सर्किल बना दिया मैंने। एक तो हमने जो अभी पढ़ी है वो है कि प्रॉपर्टी क्या है, जब जब भी दो जीवा है वो इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट पी है और यहाँ पर मान लीजिए इसका क्या सेंटर है, यानी कहने सेंटर का मतलब यह कि केंद्र इसमें अलग है। जब भी वृत्त के अंदर दो जीवा इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, जब एक वृत्त के अंदर एक उसी क्या होती है पी टी क्या है, एक टेंजेंट है और इसके अंदर एक लाइन ऐसे जाती है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। यानी इसके अंदर पी ए तो क्या है, पी ए तो एक सीकेंट बन गई यानी छेदक रेखा, पी टी क्या है स्पर्श रेखा यानी ये एक ही पॉइंट पर स्पर्श करती है और इसके अंदर एक बन गया यानी छेदक रेखाएं बन जाएंगी। यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका नाम दे दिया पी, तो इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। मैंने 3 सर्किल बना दिए हैं, इनका डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखवाऊंगा, रीजन मैंने आपको अभी बता दिया है। इसमें पर्सन कैसे सोल्व होते हैं, देखे सर्किल है दो जीवा बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाले साइड दे देगा, ये वाले साइड दे देगा, फिर ये पूछ लेगा आपसे, पर्सन बताऊंगा आपको मैं, आपको याद कर रखना पी ए, यानी यहाँ से शुरू करेंगे सारा खेल, इसके साथ में एक बार तो ये लेंगे एक बार ये लेंगे, पी ए गुणा पी बी बराबर होता है, फिर ये वाला लेंगे पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, इसको डिराइव करके मैंने अभी अभी आपको बताया, तो इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट इस पर पर्सन पूछे जाते हैं। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर पी टी क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं पी टी क्या एक टेंजेंट है, पी टी क्या एक टेंजेंट है स्पर्श रेखा है, पी टी क्या एक टेंजेंट है, और पी बी क्या बन जाएगी, पी बी बन जाएगी एक सीकेंट, एक छेदक रेखा बन जाएगी, क्या बन जाएगी एक छेदक रेखा है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, यानी कि आपको वहां से शुरू करना है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों कहां इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट पी के ऊपर, ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट पी के ऊपर, हालांकि ये बाहर है ये अंदर था, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट पी पर। सारा खेल कहां से शुरू होता है, पी से शुरू होता है, तो पी से शुरू करेंगे पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये पी ए इंटू पी बी, ये आपको याद रखना है। यहां से पी से शुरू करेंगे पी ए इंटू पी सी बराबर पी बी इंटू पी डी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। कब कब होते हैं, जब सर्किल के अंदर जीवा है कोर्ड है वो इंटरसेक्ट करती है, कई बार अंदर करती है, यहां पर अंदर कर रही है, यहां पर क्या है बाहर कर रही है, इसमें एक तो टेंजेंट है एक क्या है सीकेंट है, हालांकि ये क्या जीवा ही तो है, इसको बाहर बढ़ा के इंटरसेक्ट किया है, इसके अंदर दोनों क्या है जीवा है लेकिन बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी और बी डी क्या है जीवा है कोर्ड है, हालांकि इंटरसेक्ट कहां कर रही है, बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये फॉर्मूला आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इस पर आधे पर्सन हम सोल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, हम सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जब इसके अंदर क्या है कोर्ड है, जो जीवा है जो कोर्ड है वो इंटरसेक्ट करती हैं, इसमें तो अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अंदर एक क्या है एक स्पर्श रेखा है, तो ये फॉर्मूले बनते हैं डायरेक्ट। तो आई होप आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक डायरेक्ट प्रश्न है, क्या दे रखा है, एक सर्किल है और यहाँ पर पी टी क्या है, इसमें देखो एक बिंदु पर टच कर रही है, इसका मतलब पी टी क्या है टेंजेंट ही होगी, पी टी इसमें क्या है एक टेंजेंट है, क्या है एक टेंजेंट है स्पर्श रेखा है, ये क्या है एक स्पर्श रेखा है, तो पी बी क्या बन गई, पी बी इसके अंदर बन गई एक सीकेंट बन गई, एक छेदक रेखा बन गई, और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी अभी, कौन सा, ये क्या है टेंजेंट है ये सीकेंट है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, तो इसके अंदर पी टी स्क्वायर यानी पी टी का क्या करना स्क्वायर करना बराबर होगा पी ए इंटू पी बी, पी टी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू पी ए का मान कितना है 4 इंटू पी बी का मान कितना है यानी पी और बी ये वैल्यू कितनी है 4 है, ये कितनी है x है, तो ये हो जाएगी 4 प्लस x, यही तो है।
तो क्या हो जाएगा, इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को भाग देंगे 4 से, तो 6.25 इक्वल 4 प्लस एक्स है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 2.25। आपसे क्या पूछा, इसमें एक्स का वैल्यू पूछा था, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 2.25 सेमी। क्या किया, बस आपने हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमारे पास फॉर्मूला था। इससे थोड़ा सा टफ भी पर्सन भी दे सकता है कि वो थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके हमें दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। अगर आपको फॉर्मूला याद है, प्रॉपर्टीज याद है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें शायद एक एग्जांपल और होना चाहिए, इसमें और तो नहीं है, इसमें एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल इसमें और है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ए बी और सी डी क्या है, दो कोर्ड है, ए बी और सी डी क्या है, कोर्ड है जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी के ऊपर है। कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, पी ए का मान दे रखा 4, पी बी का मान दे रखा 9, पी सी का मान दे रखा x, सी डी का मान दे रखा 6x-3 है। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, तो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अभी ये वाला। जब देखिए, जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो पी ए इंटू पी बी इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी के, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, इसमें पी ए का मान कितना है 4 गुणा पी बी, पी का बी बी का मान कितना है 9, बराबर होता है पी सी, पी सी का मान कितना है एक्स इंटू, बराबर होता है पी डी, पी डी का मान कितना है। अब देखिए इसमें दे रखा है सी डी, ये टोटल वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 6x-3 है, और पी सी का मान कितना है, पी सी का मान कितना है इसमें एक्स है, तो पी डी का मान कितना बचेगा, इसमें से एक्स माइनस कर देंगे तो 5x-3 बचेगा, 5x-3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल कितना होगा 5x2-3x, और ये 36 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 36 इक्वल 0, तो यहाँ पर कितना होगा, इसको गुणा करते हैं 180, तो 180 के फैक्टर बनते हैं क्या कुछ, यहाँ से x की अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालें 36 × 5 कितना होता है 180, तो 180 कैसे फैक्टर, जो 4 × 45 4 × 12 = 15 बन गए इसके, 15 और 12 बन गए। क्या करना है, हमें 5x²-3x-37 = 0 को सोल्व करना है, तो इसका तरीका क्या होता है कि इसके कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करो, 36 × 5 कितना होता है 180, या हालांकि माइनस में आएगा 180 है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो, गुणा करें तब तो आई माइनस का 180, और जब उनको जोड़े तब आई माइनस का 3, तो वो क्या बनते हैं, वो फैक्टर बनेंगे माइनस का 15 प्लस का 12, तो माइनस का 15 प्लस का 12 कितना होता है माइनस का 3, यानी यहाँ से बिल्कुल सही है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 15 × 12 तो कितना आएगा 180, तो यहाँ से ये क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, कोफिशिएंट कितना है 5, ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसके बाद में इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का होते माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा प्लस का 3 और यहाँ से आएगा माइनस का 12/5 है। हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो x की वैल्यू है जो ये वाली वैल्यू है, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव होगी, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, इसके अंदर हमने सिर्फ सिर्फ इसको सोल्व किया है, यहाँ से आया 36, और जब हमने इसको सोल्व किया था इधर तो कितना आया था 5x²-3x आया था, इसको इधर लेके आया तो माइनस का 36 = 0 हो गया था। फिर उसके बाद में हमें इसको सोल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहाँ से हमारी वैल्यू आई थी, जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 3 और एक आई थी माइनस में, तो x का मान माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये कितना है 3 आया, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू उसमें 3 रख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं है। तो x बराबर सपोज यहाँ पर आप रखते हैं, इसमें 3 रखते हैं, अगर आप यहाँ पर x का मान रखते हैं 3, तो यहाँ पर x का मान रख दो 3, 6 × 18, 18 × 3 = 15 जाएगा। आप इनको गुणा करके देखो, पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा 6 × 18 = 3 = 15, 15 × 3 = 45 है। अच्छा ये इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो पी सी, पी सी का मान कितना है 3 है, पी डी, पी सी का मान कितना है 3 है, तो पी डी का मान कितना हो जाएगा 12, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि 15 में से माइनस कर देंगे ना 3 × 12, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आज हमने सर्किल की 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं,
और बाकी हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे जिसके अंदर हम ओनली जो एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे सिर्फ वही सोल्व करेंगे। इसमें चार प्रॉपर्टीज़ और बच गई हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंजेंट है, फिर कॉमन कोड निकालना है, फिर हम एक